morning all of you. I have taught you syntax of noun, syntax of pronoun, syntax of adjective and syntax of adverb. Today I shall teach you syntax of conjunction. Syntax of conjunction. Students, conjunction. A conjunction joins two words, clause and sentences. There are two types of conjunction: subordinating conjunction and coordinating conjunction. Subordinating conjunction. Second, coordinating conjunction. Subordinating conjunction complex sentence बनाने में यूज होता है. Coordinating conjunction compound sentence बनाने में यूज होता है. अब इसका सिंटैक्स में किस प्रकार यूज होता है, किस कंजक्शन के साथ कौन सा कंजक्शन सही यूज होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल दो THOUGH दो दो मीन्स यद्यपि, दो या although, दोनों का मीन्स यद्यपि. इनके साथ हमेशा यट का प्रयोग करते हैं. यदि यट का प्रयोग नहीं करते तब हम कॉमे से काम चलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दो ही इज पुअर yet he got a car. Next example, lest. Student, lest का means होता है कहीं ऐसा न हो. नेगेटिव शब्द है, इसके साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है. लेट वॉक प्रॉपरली, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल डाउन. एग्जाम्पल नंबर थ्री हार्डली HARDLY हार्डली मुश्किल से, इसके साथ हमेशा वहन का प्रयोग होता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैड रीच्ड हार्डली रीच्ड हम मुश्किल से ही पहुंचे थे बहन इट बिगिन टू रेन जब वर्षा होने लगी. इसके साथ स्टूडेंट एग्जाम में ध्यान दिया होगा, इट इज इनकरेक्ट. स्टूडेंट इफ के साथ तब के लिए या तो के लिए हमेशा कोमे का प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू कम्स टू मी, इफ यू कम टू मी आई सेल कॉमा तो या तब आई सेल हेल्प यू तब मैं तुम्हारी सहायता करूंगा. स्टूडेंट्स अनलेस या अंटिल दोनों निगेटिव के लिए यूज होते हैं. अनलेस इफ नॉट और अंटिल टिल नॉट. फॉर एग्जाम्पल अनलेस इसके साथ आप क्या अफर्मेटिव बनेगा क्योंकि ये निगेटिव सब्जेक्ट निगेटिव कंजक्शन है.
अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। स्टूडेंट्स, वेदर डब्ल्यू एच ई ए टी एच ई आर, डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर, वेदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, दैट वेदर ही विल कम और नॉट, वह आएगा या नहीं। सिक्स्थ एग्जाम्पल, आइदर के साथ और का प्रयोग करते हैं, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव तुम्हें रखना चाहिए, आइदर ए पेन और ए पेंसिल। स्टूडेंट्स, नाइदर नॉर, नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग, गोपाल हैज बीन नाइदर बीटन नॉर पनिश्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नो सूनर के साथ स्टूडेंट देन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 9, नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, टी एच एन देन, नो सूनर डॉट डॉट देन, टी एच एन का प्रयोग नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, नो सूनर डिड ही केम, डिड तो फर्स्ट फॉर्म कम, देन माय फादर went to office. Students, not only के साथ but also use होता है, not only but also. For example, he is not only intelligent, यानी केवल बुद्धिमान है, but also diligent, परिश्रमी भी है, but also not only के साथ यूज होता है। Next, स्टूडेंट, सो दैट का प्रयोग ताकि के अर्थ में, सबच जिस वाक्य में कोई उद्देश्य प्रकट हो उससे बोल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रवि गोज टू स्कूल सो दैट ही मे learn how to read and write, ताकि वह पढ़ लिख सके। स्टूडेंट्स,
सो का प्रयोग रीजन के बाद रिजल्ट के लिए किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल ही वाज इल, मैं बीमार था, रिजल्ट क्या हुआ, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। एग्जाम्पल नंबर 13, स्टूडेंट्स एज वेल एज का प्रयोग नॉट ओनली बट ऑल्सो के स्थान पर एक वर्ड के रूप में कर सकते हैं, मोहन एज वेल एज, एज वेल एज कम्युलेटिव कंजक्शन है, ही इज इंटेलिजेंट एज वेल एज, he is intelligent as well as diligent. Student, I hope you will be understood by this video. You may correct conjunction syntax of conjunction in exam. Thanks, students. Have a nice day.